मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चेरी के बारे में एक टिप बता रही हूँ। गर्मियों के मौसम में चेरी काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, लेकिन हमारे हाउस होल्ड में ये कम यूज़ होती है। हम या खाने में यूज़ करते हैं, खाने के लिए फ्रूट के तौर पे, या हम बेकिंग में, या हम जैम बनाते हैं, या हम पुडिंग वगैरह में, या किसी में डालते हैं, या डेकोरेशन के काम आती है। लेकिन ये जब नहीं होती, आउट ऑफ सीज़न होती है, तो बहुत महंगी आपको ग्रेस चेरी या वैसे ड्राई चेरी मिलती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो आप फ्रेश चेरी जब सीज़न में हो तो आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे इसको डीसीड करके इसको फ्रीज़र में कम से कम 3 से 4 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। पास कम से कम 600 ग्राम के लगभग चेरी है, और मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे पहले साफ़ करेंगे। इसको मैंने धो लिया है पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टेम होती है ये निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे सारी निकाल के, ये बड़ी इजी है, निकल जाती है। ऐसे मैं सारी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ हमने इसकी डीसीड कैसे करना है इसको। तो मैं अभी बताती हूँ। मैंने सारे इनकी स्टेम निकाल दी हैं, और जो डैमेज वाली हैं पीसीज हैं वो भी निकाल दिए हैं। तो ये हमारे पास रह गए। तो अब हमने क्या करना है, या तो आपके पास टूथपिक हो, जैसे ये होती हैं जस्क्वेयर्स होती हैं, ये इससे भी आप इसकी जो बीज है डी सीड कर सकते हैं, इनको सीड्स को। तो मैं आपको करके बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये लीजिए, इसकी ये दुकीली साइड छोड़ के इस साइड से, आप ये वाली साइड से जहाँ से हमने स्टेम्प तोड़ी थी उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए, और इसको दबाते हुए जब तक कि सीड नीचे निकल ना जाए आप इसको दबा के निकाल सकते हैं आराम से। मैंने इसको निकाल दिया, ये देखिए। और इसी प्रकार मैं और भी निकाल सकती हूँ, निकाल के दिखा देती हूँ आपको। इसको जहाँ से डाल के, थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम, लेकिन डैमेज नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही रहेगी, इसका सीड हम आराम से निकाल। दूसरा मेथड आपको बता सकती हूँ कि जैसे आप कोई बॉटल ले लीजिए, उसके ऊपर इसको ये चेरी को रख देती है, ये देखिए हमने रख दिए, और आप इसको रख के हाथ से अगर आपको मुश्किल लगता है इसको प्रेस करेंगे तो ये अपने आप इसके जो बीज है वो निकल जाएगा। देखिए निकल गया। मैं आपको फिर एक दिखा देती हूँ, ये देखिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जब कोई डिश बना रहे होते हैं तो आपको उस टाइम टाइम की बचत हो जाती है, और इसको फ्रीज करने में भी आसानी होती है। तो इसमें रख के आप इसको जब तक दबाएं, जब तक कि ये ब्रश करें, जब तक ये निकल ना जाए। ये देखिए आराम से निकल गया। इसी प्रकार मैं सारे निकाल के फिर मैं आपको स्टोर करना बता रही हूँ। चेरीज के बीज निकाल दिए, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से किसी साफ़ कपड़े से, किचन टॉवल से इसको साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा जो जूस वगैरह थोड़ा बहुत लग जाता है डीसीड करने पर। तो अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसको जिप लॉक में भी आप रख सकते हैं, जिप लॉक ना हो तो ऑर्डिनरी जो हमारे घरों में पॉलिथीन होते हैं इसमें भी आप रख के फ्रीज़र, इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो या फिर जो ये डब्बा आता है इसमें हम इसको जब खरीदते तो हमें साथ ही मिलता है कई बार, तो हम उसमें भी इसको स्टोर करके हम इसको फ्रीज़र में कर सकते हैं। तो मैं इसमें कर लेती हूँ। मैंने ये देखिए, मैंने नीचे नैपकिन रखा था उसके ऊपर मैंने डीसी चेरीज रख दी है। मैं लिफाफे में इसको रैप कर दिया, और इसको ऐसे अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। इससे ये होता है कि इसके बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगी, तो ये आपकी ख़राब नहीं होंगी, मॉइस्चर नहीं लेंगी और फ्रीज़ हो जाएंगी। जब फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इसको निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग में, पुडिंग में, किसी चीज़ में भी आप जैसे भी यूज़ करना चाहें, तो बिना सीजन के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये मेरी टिप आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमारे चेरी है। बस आपको जो मैंने बताया सेम वैसे कीजिएगा, लिफाफे में इसको पैक करके फ्रीज़र में रख दीजिए, 3 से 4 महीने आपकी ये बिल्कुल फ्रेश।